लेकिन बागी ऐसा पलटा कि खुद तो पीछे रह गए और मोदी जी आगे निकल गए। राहुल गांधी जी बुलेट से ही पीछे रह गए और मोदी जी स्कूटी से भी आगे निकल गए। आने वाले चुनाव को देखिए, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, अखिलेश यादव ने तो उपचुनाव के लिए अपने 6 कैंडिडेट उतार दिया है, वो भी बिना चर्चा किए हुए। संजय राउत का भी बयान आ चुका है, उनका कहना है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन के कुछ दल चाह रहे थे साथ में चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस ने इनको मना कर दिया। उन्हें जो है सत्ता में किसी और की भागीदारी हो वो उन्हें पसंद ही नहीं है। और मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि आपने हरियाणा इलेक्शन में इंडिया अलायंस के कुछ दल को साथ लाने में मना कर दिया, तो आप दिल्ली के इलेक्शन में ये सोचिएगा ही मत कि हम केजरीवाल जी के साथ गठबंधन में होकर के दिल्ली चुनाव लड़ ले। इंडिया अलायंस के बाकी दल के नेता का बयान आ रहा है तो कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान आता है कि सार्वजनिक बयान देने से गठबंधन का नुकसान होता है। तो भाई, हरियाणा के इलेक्शन में गठबंधन को फायदा हुआ है क्या? कांग्रेस करे तो रासलीला और इंडिया अलायंस से कुछ नेता कर दे तो करेक्टर ढीला। राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए और अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो भी मीडिया के सामने, न कि ट्विटर पर लिख देने से काम चलता है। हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि हम कांग्रेस साथ आकर के चुनाव लड़े, इसके लिए राहुल गांधी ने हामी ही भर दिया, लेकिन हुड्डा ग्रुप ने मना कर दिया। भाई, उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हुए कि खुद ही डूब गए। अब खुद डूब चुके हैं तो कांग्रेस प्लीज ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आम आदमी पार्टी साथ मिल करके दिल्ली में चुनाव लड़ ले। अभी के जो हालात है वो इंडिया अलायंस के नेता जो है अपने में ही लड़ रहे हैं, अब तो भाई बीजेपी वाले मजा लेंगे ही। इससे एक बात तो साफ होता है कि जितने भी पार्टी है उसके लिए पार्टी पहले है, देश बाद में है, देश की जनता बाद में है।